डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को कोशिका के विभिन्न भाग बताऊंगी, जो कि मैं इसके पहले आपको बताई थी कोशिका के प्रकार। हमने कोशिका के प्रकार बताया था आपको, कोशिका दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो हम अंतर भी आपको बताए थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। अब हम आगे देखेंगे कोशिका के विभिन्न भाग। तो सबसे पहले कोशिका के विभिन्न भाग में पहला है कोशिका भित्ति। पहला है कोशिका भित्ति, इसको कहा जाता है सेल वॉल। और दूसरा है जीव द्रव्य, इसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। और फिर तीसरा है रिक्तिका, इसको कहा जाता है वैक्यूल। ठीक है, तो कोशिका के विभिन्न भाग हैं, जैसे कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा है रिक्तिका, वैक्यूल। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोशिका भित्ति। तो हम देख लेते हैं पहले कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति जो होता है, यह है प्लांट सेल में हमने दर्शाया भी था कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। आप देख सकते हो ये नामन क्लेचर इसका किया गया है, इसमें कहीं भी आपको कोशिका भित्ति नहीं दिखाई देगा। कोशिका भित्ति जो होता है यह बना होता है सेल्युलोज का। किसका बना होता है? सेल्युलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति की तीन परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? तीन परतें होती हैं। कोशिका भित्ति की तीन परतें होती हैं। जो पहली परत होती है, प्रथम परत होती है, वह बनी होती है सेल्युलोज की। प्रथम परत सेल्युलोज की बनी होती है और द्वितीय परत जो होती है वह लिग्निन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। और जो तृतीय परत होती है वह बनी होती है पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो होती है उसकी तीन परतें होती है। पहली परत किसकी बनी होती है? सेल्युलोज की बनी होती है। द्वितीय परत किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। और तृतीय परत पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। आगे है आपका कोशिका भित्ति के बाद है, अब आप एनिमल सेल में ही देख सकते हैं, कोशिका भित्ति के बाद है आपका कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कोशिका के भीतर भरे हुए संपूर्ण द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, कोशिका के भीतर भरे हुए संपूर्ण द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, जिसकी जानकारी सबसे पहले डुजार्डिन ने दी। किसने दी? डुजार्डिन ने दी, और बाद में पुरकिंजे ने इसकी पुष्टि की। क्या की? पुष्टि की। जीव द्रव्य में 70% जल होता है। कितना परसेंट? 70% जल होता है, और शेष रासायनिक संगठन कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण आदि होते हैं। और वहीं पे अकार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य जो होता है आपका कोशिका के भीतर पाया जाता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य जो होता है यह कोशिका के भीतर और केंद्रक से बाहर पाया जाता है। कोशिका के भीतर और केंद्रक से बाहर
पाया जाता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, यह कोशिका के भीतर तथा केंद्रक के बाहर पाया जाता है। कोशिका के भीतर और केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यह जीव द्रव्य के समान होता है, जीव द्रव्य के समान होता है। इसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक का मिश्रण होता है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक का मिश्रण होता है। जैसे आपका इसके पहले क्या था, जीव द्रव्य में, उसी तरह से इसमें भी क्या होता है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिकांग जैसे आपका गाल्जी काय है, गाल्जी बॉडीज है, तारक काय है, सेंट्रोसोम है, अंतःप्रत दिव्यीय जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम, ठीक है, ये राइबोसोम है, माइटोकांड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सब क्या है, कोशिका के विभिन्न अंग हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके कोशिका के विभिन्न अंग को पढ़ेंगे। तो चलते हैं, अब हम एक एक करके कोशिका के विभिन्न अंग को पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका अंतः प्रद्रव्यी जालिका, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतः प्रद्रव्यी जालिका यह कोशाद्रव्य में पाया जाता है, कोशाद्रव्य में पाया जाता है, जो केंद्रक कला तथा कोशिका कला से अटैच होता है, केंद्रक कला तथा कोशिका कला से अटैच होता है। इसकी जानकारी सबसे पहले के आर पोर्टर ने दी और बताया कि इसमें पदार्थों का आवागमन होता है। क्या होता है, पदार्थों का आवागमन होता है। ठीक है, इसमें पदार्थों का क्या होता है, आवागमन होता है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे राइबोसोम, अगला रहेगा राइबोसोम। फिगर में आप देख सकते हैं राइबोसोम जो होता है यह आपका, राइबोसोम कहाँ पे है, राइबोसोम जो होता है यह आपका ये है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर पाया जाता है, राइबोसोम अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर पाया जाता है। इसकी जानकारी सबसे पहले पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने दी और बताया कि यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, फिर आगे है आपका तारक काय सेंट्रोसोम। तारक काय जो होता है यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो ये आपका तारक काय है सेंट्रोसोम, जो कि जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो तारक काय की जानकारी सबसे पहले टी वोवेरी ने दी। इन्होंने बताया कि तारक काय कोशिका विभाजन करता है। तारक काय क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है।
तारक का क्या कार्य करता है? कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है, फिर आगे क्या है, आगे हम देख लेते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम की जानकारी सबसे पहले डी डूबे ने दी, डी डूबे ने दी, लाइसोसोम की जानकारी सबसे पहले डी डूबे ने दी। इन्होंने बताया कि इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं, जो जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। कभी कभी ये रचनाएं फटकर नष्ट हो जाती हैं, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, या इसको सुसाइड बैग कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना रीड करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम आपको समझाएंगे।